व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है माउंटेन बिटवीन अस। तो कहानी शुरू होती है और हम एलेक्स मार्टिन नाम की जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि डेनवर जा रही है, पर एयरपोर्ट जाने पे उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इसी बीच में कहानी के दूसरे किरदार डॉक्टर बेन को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेशन से एक न्यूरोसर्जन है। उन्हें बाल्टीमोरो जाना है एक इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए, लेकिन यहाँ उनकी भी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। अब दोनों स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कोई फ्लाइट दे दी जाए, लेकिन स्टाफ कहता है कि सुबह से पहले कोई भी फ्लाइट नहीं है। और तभी दोनों की मुलाकात होती है तो एलेक्स बोलती है कि लगता है आपकी भी वही प्रॉब्लम है जो मेरी प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि हम दोनों की फ्लाइट भी सेम ही है, लेकिन शायद हम डेस्टिनेशन तक पहुंच ना पाए। तो एलेक्स बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कोई छोटा प्राइवेट प्लेन हायर कर लें। और थोड़ी देर बाद उन्हें प्लेन भी मिल जाता है जिसका पायलट था वॉल्टर, जो उन दोनों से कहता है कि वो अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। अब दोनों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बस थोड़ी दूर की बात थी। कुछ पल बाद इनका सफर शुरू हो जाता है और प्लेन उड़ान भरता है। अब बीच रास्ते में एलेक्स और बेन एक दूसरे के बारे में काफी बातें करते हैं, जैसे कि वो लंदन से है और उसने एक अमेरिकन वुमन से शादी करी है। अब बीच बीच में थोड़े इन्हें झटके लगते रहते हैं, पर ये आम बात थी, छोटे प्लेन में अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन इसके बाद आती है असली मुसीबत। हम देखते हैं कि अचानक से वॉल्टर को स्ट्रोक आना शुरू हो जाता है जिससे कि प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब एलेक्स वॉल्टर को संभालती है, लेकिन इतने में बात नहीं बनती है और तभी इनका प्लेन एक पहाड़ की चोटी से टकरा जाता है और फिर जिसका डर था वही होता है, प्लेन पहाड़ के बीच में क्रैश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब बेन को होश आता है तो वो बाहर जाकर देखता है। यहाँ उसे समझ आ जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ये ऐसी जगह है जहाँ इंसान का पहुँचना असंभव है। यहाँ वॉल्टर की मौत हो गई थी जिसके बाद वो उसकी लाश को दफनाने ले जाता है, पर उसका डॉग उसे देख रहा था। उसे पता नहीं कि वो अपने मालिक को आखिरी बार देख रहा है। अब वॉल्टर को दफनाने के बाद बेन बचे हुए प्लेन्स के अंदर जाता है और उसे लग रहा था कि एलेक्स की भी मौत हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। उसे होश आते ही वो अपने होने वाले हस्बैंड मार्क के बारे में पूछती है, पर बेन उसे याद दिलाता है कि उनका प्लेन अभी क्रैश हो गया है और वो बर्फ की चट्टानों पर फंस चुके हैं जहाँ किसी की मदद आना बहुत ही मुश्किल है। तो आगे वो लोग बातें करते हैं कि उनके पास खाने को बहुत ही कम सामान बचा हुआ है, इसलिए जब तक वो यहाँ पर हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना होगा। इसी बीच बेन को एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। वो फौरन बाहर आता है और फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन उसमें एमो होती ही नहीं। और तभी एलेक्स उसे एक फ्लेयर देती है, पर इससे पहले वो उसे चलाता प्लेन वहाँ से जा चुका था। और इधर एलेक्स उस प्लेन को देखकर चिल्ला रही थी कि हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उसकी आवाज़ उसके अलावा कोई भी नहीं सुन सकता। इसके बाद दोनों एक बार फिर से उस प्लेन के अंदर आ जाते हैं जहाँ बेन उससे कहता है कि हमें अब हर चीज़ को सोच समझ कर करनी होगी और हमें अब मदद का इंतज़ार करना होगा। तो एलेक्स बोलती है कि हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते, हमें मदद के लिए बाहर जाना ही होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तो बेन बोलता है कि अगर हम यहाँ रहे थोड़े दिन और ज़िंदा रह पाएंगे, पर अगर हम बाहर गए तो ठंड के चलते ही कुछ ही घंटों में अपना दम तोड़ देंगे। यहाँ बैठने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैंने यहाँ काफ़ी प्लेन उड़ते हुए देखे हैं, तो हो सकता है कि कोई ना कोई हमें ज़रूर देख लेगा और हमारी मदद करेगा, और तब तक हमें इसी प्लेन के अंदर रहना होगा। अब एलेक्स को भी उसकी बातें कहीं ना कहीं सही लग रही थी, जिस वजह से वो लोग एक आग जलाते हैं और मदद का इंतज़ार करने लगते हैं। पर ऐसे तो वो शायद ही बच पाएंगे दोस्तों, जब तक वो अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे उन्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। ऐसे भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो। तो अब ये दोनों मदद का इंतज़ार करते हैं और कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी मदद आने वाली नहीं है। और धीरे धीरे इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, खाना भी अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। बेन को भी अब समझ आ जाता है कि कुछ तो करना ही होगा, इसलिए वो कहता है कि तुम यहीं पर रहो क्योंकि तुम घायल हो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि शायद कोई मदद मिल जाए। लेकिन बाहर जाना इतना आसान नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड में पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बेन की सांसें फूलने लगती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो सबसे ऊंची चोटी पर जाकर देखता है तो चारों तरफ कई मील तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थे और यहाँ से निकल पाना नामुमकिन था। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी होती है, उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स प्लेन के अंदर बैठी बेन के सामानों को चेक कर रही थी, तभी उसे कुछ फ़ोटोज़ मिलती है जो कि बेन की वाइफ की थी।
साथ में उसे एक फ़ोन भी मिलता है जिसमें उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें वो कह रही थी कि अब वो बहुत ही खुश है कि बेन उसके साथ है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वॉल्टर का डॉग भौंकने लगता है और एलेक्स उसे चुप कराती है, पर उसे ये नहीं पता था कि बाहर कूगर आ गया है जिसे देख के वो भौंक रहा है। वो कूगर डॉग की आवाज सुन लेता और अंदर आ जाता है, पर सही समय पर एलेक्स उस पर फ्लेयर गन शूट कर देती है जिससे कि वो भाग जाता है। और तभी वो फ्लेयर गन की आवाज बेन तक पहुंच जाती है और वो समझ जाता है कि एलेक्स मुसीबत में है। वो फौरन भागते हुए उसके पास आता है और यहाँ पर वो उसे ठीक मिलती है, लेकिन उनके डॉग को चोट लग गई थी। अब वो लोग उसका मरहम पट्टी करते हैं, जिसके बाद बेन उसे बताता है कि बाहर कई मीलों तक सिर्फ पहाड़ की चट्टाने हैं, मदद मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कुछ देर बाद वो उसी कुगर को ढूंढने बाहर जाता है और उसे वो मरा हुआ मिलता है। तो फाइनली अब इन दोनों के खाने का कुछ इंतज़ाम हो गया था। तो यहाँ बेन उसे बताता है कि वो पिछले 5 घंटों से पहाड़ों पे घूम रहा था इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई उसे मिल जाए जो उसकी मदद कर सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है और हमें इसी प्लेन के अंदर बैठे रहना होगा और हेल्प आने का वेट करना होगा। पर एलेक्स को ऐसा बैठना पसंद नहीं है, वो कहती है कि हमें बाहर जाना ही होगा, हम कब तक ऐसे इंतज़ार करते रहेंगे। तो बेन कहता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। पर अगले दिन जब बेन उठता है तो देखता है कि एलेक्स वहाँ से गायब है। तभी उसे एलेक्स का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकती, इसलिए मुझे बाहर जाना ही होगा। अब बेन को पता था कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है, वो घायल है और साथ में उसके साथ बडी भी है जो कि वॉल्टर का डॉग था। अब वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे प्लेन का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है जिसमें कि रेडियो था, लेकिन जब वो उसे चेक करता है तो वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। और अब वो निराश होकर और आगे एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फाइनली वो उसे मिल जाती है। बेन उसे बोलता है कि तुम्हें जाने से पहले गुड बाय तो बोलना चाहिए था, और फिर वो उसे गले से लगा लेता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पीछे नहीं जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। यहाँ एलेक्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसकी चोट के कारण वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन बेन उसे सहारा देता है और चलते चलते वो एक गुफा तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लोग आग जलाते हैं और बेन उसे थोड़ा आराम करने को बोलता है। अब रात हो जाती है और दोनों के बीच में बातें होती है जिसमें एलेक्स बेन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसके बारे में बताने से मना कर देता है। और अब ऐसा वो क्यों कर रहा है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एक बार फिर दोनों हेल्प के लिए निकल जाते हैं इसी उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई मिल जाए, पर इतनी दूर चलने के बाद वो एकदम पहाड़ के एंड पे आ जाते हैं जिसके बाद ना खत्म होने वाली जमीन थी। अब ये देखकर दोनों हिम्मत हार चुके थे और अब बेन को ये लगने लगता है कि वो नहीं बच पाएंगे, जिस वजह से वो एक खूबसूरत से स्पॉट पे जाके बैठ जाता और एलेक्स से बोलता है कि वो उसकी एक आखिरी फ़ोटो ले ले, कम से कम उसे आखिरी बार कोई देख तो सकेगा। पर वो मना कर देती है और कहती है कि हमें यहाँ से ज़िंदा निकलना है। इसी बात को लेकर बेन और उसकी बहस हो जाती है। बेन कहता है कि हम आगे गए तो मारे जाएंगे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तो एलेक्स कहती है कि तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हो। अब वो दोनों वहीं थोड़ी देर बैठ जाते हैं, पर तभी बेन देखता है कि बडी गायब है। वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और उसके पीछे पीछे एलेक्स भी आ रही थी। यहाँ उसके पैर में चोट लगी थी इसलिए वो थोड़ा आराम से आ रही थी, पर तभी बेन को बडी के पैरों के निशान दिखते हैं। वो उन्हें फॉलो करते हुए एक कॉटेज पे पहुंच जाता है जिसे देख के लग रहा था कि यहाँ सालों पहले कोई रह रहा था। बेन कॉटेज के अंदर भागते हुए जाता और आवाज़ लगाता है कि कोई यहाँ पर जिंदा है, हेलो, क्या हमारी कोई मदद कर सकता है। और इसी बीच एलेक्स जो कि पीछे थी वो बर्फ़ की एक पतली लेयर पर पैर रख देती है और तभी वो बर्फ़ टूट जाती है और वो पानी के अंदर चली जाती है। यहाँ उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे डूबते हुए बेन देख लेता है और वो भागते हुए उसके पास आता है और बड़ी मुश्किलों से उसे बाहर निकालता है। अब ठंडे पानी में गिरने की वजह से एलेक्स बेहोश हो गई थी, जिसके बाद बेन उसे कॉटेज के अंदर ले जाता है और वहाँ आग लगाता है ताकि वो थोड़ा गर्म हो सके। अब इनकी किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है कि इन्हें यह कॉटेज मिल गया था, नहीं तो आज एलेक्स की मौत हो जाती। अब दोस्तों इसी तरह से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन एलेक्स अभी भी बेहोश थी। अब बेन ये देखकर घबरा जाता है कि आखिर वो कहीं मर तो नहीं गई, क्योंकि इतने ठंडे पानी में सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और तभी उसे ढूंढने पर घर में रखी एक इंजेक्शन मिलती है जिसके अंदर वो अपनी बनाई हुई एक रिफिल भरता है, और वो सर्जन था तो उसे इन सब का एक्सपीरियंस होता है ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। लेकिन उसे यहाँ पर यकीन नहीं होता कि आखिर इससे एलेक्स को होश आएगा या फिर नहीं। वो उसे लगाने से पहले कहता है कि अगर तुम होश में होती तो मुझे ये कभी करने नहीं देती, पर मेरे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। और ये बोलने के बाद वो इंजेक्शन उसे लगा देता है
जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को होश आ जाता है और उसके आंखें खोलते ही बेन उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने दिनों बाद होश में आई हो, और उसे बताता है कि अब हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, हमारे पास अब घर है, लकड़ियाँ हैं और हमें कुछ खाने का सामान भी मिल सकता है जिससे कि हम थोड़े दिन यहाँ पर रह सकते हैं और अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद वो एक बार फिर से बाहर चला जाता है कुछ खाने को ढूंढने के लिए और यहाँ बडी को एक खरगोश दिखता है और जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता है वो खरगोश वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर बेन मायूस होकर घर आ जाता है और यहाँ आने पर वो देखता है कि एलेक्स उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुन रही है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरी वाइफ से जुड़ी कोई भी बात मत करना, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती। और ये जानने के बाद एलेक्स भी उसे माफ़ी मांगती है और फिर बेन उसे वहीं बैठा कर वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें हमें पता चलता है कि बेन अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता था लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई और बेन आज भी उसे याद करता है और रिकॉर्डिंग सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ पर एक ऐसा सीन बन जाता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कुछ पल बाद बेन आखिरकार बता देता है कि उसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर था और बोलता है कि मैं उसे बहुत ही प्यार करता था। और जब वो देखने लगी कि मैं उसकी वजह से परेशान रहने लग गया हूँ तो एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि उसकी मौत हो गई है और ये जो तुमने रिकॉर्डिंग सुनी है वो उसके मरने से पहले की थी जिसे मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। और बेन ये सब बातें बताते हुए रोने लगता है और एलेक्स उसे सहारा देती है। अब एलेक्स सो जाती है पर बेन के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से अकेले जाने लगता है और थोड़ी दूर जाने पे वो दोबारा घर वापस आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। और दोनों फिर से एक बार निकल जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। क्या उन्हें इस बार हेल्प मिल पाएगी या वो इस बार भी हार मान जाएंगे और यहीं पर आखिरी सांस लेंगे, ये तो आगे ही पता चलेगा दोस्तों। अब दोनों इतनी ठंड में एक दूसरे को सहारा बन के आगे बढ़ने लगते हैं, साथ में बडी भी होता है लेकिन इतनी ठंड में पैदल चल पाना बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से एलेक्स के पैर में चोट भी लगी हुई है, वो तो अभी कुछ देर पहले ही होश में आई है, उसके लिए इतनी लंबी दूरी चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और यहाँ बेन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो उसे एक कार्ट में लिटा देता है और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ता है जिससे उसका और एलेक्स का साथ नहीं छूटता। पर आखिर इतनी दूर कैसे कोई किसी को खींच कर ले जा सकता है। एक समय आता है जब वो भी थक जाता है और पेड़ के सहारे बैठ जाता है। अब दोनों वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं और उनकी आंख लग जाती है और तभी बडी को कुछ दिखता है। वो बेन को जगाने की कोशिश करता है लेकिन बेन के अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उठ सके, उसने खुद को एक पेड़ के सहारे से रोक रखा था। अब सहारा हटते ही वो नीचे लुढ़कने लगता है पर थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। वो बडी के पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि दूर एक फैक्ट्री है और ये देखकर उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। ये बात वो जाके एलेक्स को बताता है लेकिन उसकी तो चलने की भी हालत नहीं थी, वो उसे अपने कंधे पर उठा के आगे तक ले जाता है और तभी उन्हें एक इंसान का बनाया हुआ रास्ता दिखता है। दोनों ये देखकर एक दूसरे से गले लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हमने कर दिखाया, हमने अपनी जान बचा ली। दोनों और फिर आगे बढ़ने लगते हैं पर मुसीबत यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी और तभी बेन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि यहाँ के लोकल्स ने लगाया था जानवर के लिए। अब एलेक्स उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है वो ट्रैप निकालने की लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। अब बेन उसे कहता है कि तुम्हें आगे जाकर मदद मांगनी होगी तभी हम यहाँ से ज़िंदा बच पाएंगे। एलेक्स बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगती है और उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी लेकिन वो जैसे तैसे कर रोड तक पहुंच जाती है और तभी उसके सामने एक ट्रक दिखता है। वो उस ट्रक के आगे जाके खड़ी हो जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और बेन की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, यानी कि उसकी जान बच गई थी। अब वो भागते हुए एलेक्स के रूम में जाता है जहाँ उसकी भी जान बच गई थी। वो एलेक्स से कहता है वी डिड इट, हमने कर दिखाया। अब एलेक्स के रूम में उसका हस्बैंड मार्क भी होता है जिसे देखकर बेन थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एलेक्स को चाहने लगा था और यही हाल एलेक्स का भी होता है। उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि वो भी बेन को चाहने लगी है लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते और बाहर जाकर बेन रोने लगता है कि जिससे भी वो प्यार करता है वो उससे दूर हो जाता है। अब दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एलेक्स की कहानी जानकर लोग उसे बोलते हैं कि तुम्हें इस पर एक किताब लिखनी चाहिए, आखिर तुम मौत के मुँह से कैसे निकल कर यहाँ पर आई। लेकिन एलेक्स कोई भी जवाब नहीं देती, तभी उसे ध्यान आता है कि उसने जो बेन की फ़ोटोज़ क्लिक की थी वो उसे सेंड करनी है लेकिन बेन उसका फ़ोन नहीं उठाता और उसकी कॉल बार बार कट कर देता है।
इसका असर अब एलेक्स की शादी पर पड़ने लगा था। मार्क को समझ आ जाता है कि अब एलेक्स पहले जैसी नहीं रही। वो उसे बात करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ बेन को भी वो फोटोज़ मिल जाती हैं जो कि एलेक्स ने उसे पोस्ट कर दी थी। उन फोटोज़ को देख के वो इमोशनल हो जाता है और फौरन एलेक्स को मिलने के लिए बुलाता है। अब कुछ समय बाद दोनों मिलते हैं। एलेक्स पूछती है कि तुम मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। वो कहता है कि मैं तुम्हें उन पुरानी यादों से दूर रखना चाहता था ताकि तुम्हारी शादी पे कोई भी असर ना पड़े। तो वो कहती है कि मैं अब मार्क से शादी नहीं कर रही। ये सुन के बेन को थोड़ा अजीब लगता है और कहीं ना कहीं वो खुश भी था। अब यहाँ एलेक्स उसे समझाती है कि जो भी उनके बीच हुआ था वो प्यार नहीं था, वो बस एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्स अपने आप को समझा रही थी कि वो बेन से प्यार नहीं करती, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। अब बेन भी उसकी बातें सुनता जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन कोई चीज़ जो उन्हें रोक रही है। और ऐसे ही बातें करते करते वक्त बीत जाता है। इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है और दोनों गले मिलते हैं और बेन कहता है कि हम जिंदा बच पाए क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था, हमने एक दूसरे का ख्याल रखा था। एलेक्स कहती है कि प्यार जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, तुम्हें असली दुनिया में आना चाहिए। और इसके बाद दोनों एक बार फिर से अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं, पर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। बेन और एलेक्स को समझ आ जाता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो भागते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और गले लग जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये सर्वाइवल लव स्टोरी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।